हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बीजेटी एज एन एम्पलीफायर। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैं पहले भी कई लेक्चर्स में आपको ये बता चुका हूँ कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मेन एप्लीकेशन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर ही है, और हम बहुत सारी जगहों पे बीजेटी को यूज़ करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। तो एनालॉग सिग्नल्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी हम सिग्नल्स अप्लाई करते हैं उनका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होता है, और क्योंकि वो एनालॉग इन नेचर है तो हमें हर एक पॉइंट पे या हर एक पैरामीटर पे आपकी कुछ वैल्यू चाहिए। लाइक डिजिटल में हमारा वन और जीरो से ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि आउटपुट क्या होगा, बट एनालॉग के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो हमें हर एक पॉइंट पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक सिंपल से वोल्टेज सिग्नल की, तो मुझे हर एक पॉइंट पे वैल्यू पता होनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या क्या है, क्या वैल्यू है एम्पलीट्यूड की, अगर मैं टाइम के अक्रॉस सिग्नल को ड्रॉ कर रहा हूँ तो। तो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका पर्पस ये है कि हमें समझ में आया कि बीजेटी एम्पलीफायर की तरह वर्क कैसे करता है। और एम्पलीफायर क्या है? एम्पलीफायर इज बेसिकली, आप जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं आपको आउटपुट में उससे वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। वो करंट एम्पलीफायर हो सकता है, वो वोल्टेज एम्पलीफायर हो सकता है, वो पावर एम्पलीफायर हो सकता है। तो ये सभी डिफरेंट चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे बाकी के लेक्चर्स में। यहाँ पर हम वोल्टेज की केस में देखेंगे कि बीजेटी एम्पलीफिकेशन कैसे कर रहा है और कौन सा पैरामीटर है जो हमें एम्पलीफाई करके दे रहा है सिग्नल। ओके, उससे पहले हम दो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहले ये समझते हैं कि पहली चीज़ बायसिंग क्या होती है, ये हम देखेंगे। दूसरा, क्यू पॉइंट क्या होता है, ये हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे यहाँ पर। और देन जो हमने ये फिगर यहाँ बना रखा है, ये जो सिग्नल मैंने यहाँ अप्लाई किया है और यहाँ जो ये सिग्नल आपको एम्पलीट्यूड बड़ा दिख रहा है यहाँ पे इनपुट के रेस्पेक्ट में, इसका क्या मतलब है हम ये थोड़ा सा समझेंगे। और एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, इंस्टेंटेनियस सिग्नल, ये सारी चीज़ें मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसको थोड़ा सा हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक बीजेटी एज एन एम्पलीफायर। ओके, तो सबसे पहले बीजेटी को आपको बायस करना है। तो पहला पॉइंट, बायसिंग क्या होता है ये देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो बायसिंग का क्या मतलब है और उस बायसिंग से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा क्यू पॉइंट। ओके, सो यहाँ लिख लेते हैं डीसी एनालिसिस। डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में इन सब टॉपिक्स को, डीसी एनालिसिस क्या होता है, जब हम थोड़ा सा बायसिंग को और एलेबोरेट करेंगे। आप, हो सकता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने ये टॉपिक्स कवर किए होंगे क्यू पॉइंट बायसिंग का क्या मतलब है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। ओके, एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर मोड में। तो आई थिंक ये बातें अब आपको समझ में आने लगी होंगी कि कॉमन इमिटर का क्या मतलब है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे देखना है। देखिए इमिटर करंट बाहर को है, आउटपुट डायरेक्शन में, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये कहानी अब 3-4 लेक्चर हमारे बीजेटी के हो चुके हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कट क्लियर होना चाहिए कि एनपीएन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीएनपी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन इमिटर का क्या मतलब है, कॉमन बेस का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें। ओके, बहुत अच्छी तरीके से हमने लास्ट लेक्चर्स में इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। चलिए, तो देखिए बेस एमिटर, तो बेस के अक्रॉस आप क्या करेंगे, अपना इनपुट अप्लाई करेंगे। सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एमिटर टर्मिनल कॉमन है तो बेस एमिटर के बीच में इनपुट अप्लाई हो रहा है। और बेस कलेक्टर, सॉरी कलेक्टर एमिटर VCE, सो दिस वन इज योर कलेक्टर, दिस वन इज योर एमिटर। कलेक्टर एमिटर के बीच में आप क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। ओके, अब कौन कौन से हम आउटपुट अप्लाई कर रहे हैं ये हम देखेंगे। तो ये बायसिंग का क्या मतलब है, बायसिंग का मतलब ये है, आप देखिए यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल पे आरसी के अक्रॉस कुछ वोल्टेज अप्लाई की है, ये वोल्टेज क्या कर रही है। अगर हम सिंपल एक लाइन में कहें तो इसका मतलब है कि हम कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक क्यू पॉइंट डिसाइड करना है। ओके, हमें एक क्यू पॉइंट डिसाइड करना है और वो क्यू पॉइंट हमें बताएगा कि हमें अपने एसी सिग्नल को, जिसको मुझे एम्पलीफाई करना है, उसे मैं इस क्यू पॉइंट के अक्रॉस अप्लाई करूं। सिंपल। ओके, तो देखिए मैंने क्या क्या कहा, VCC जो है आपकी एक बायस वोल्टेज, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। आरसी के थ्रू कुछ करंट फ्लो होगा, वो करंट इस
ट्रांजिस्टर में जाएगा, यहाँ वी सी अक्रॉस कुछ वोल्टेज आपको ड्रॉप मिलेगा, उस वी सी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ओके ठीक है, तो ये जो बायस वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखा है वी सी सी, इसकी वजह से आपको एक करंट मिल रहा है आई सी, और वो आई सी करंट इस आर सी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप करेगा डेफिनेटली, और आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा वी सी। तो आपने क्यू पॉइंट जब पढ़ा होगा डिटेल में, तो आपने कर्व ड्रॉ किया होगा आई सी और वी सी ई के बीच में, और आपने कंडीशन पुट की होंगी कि एक बार करंट की वैल्यू को जीरो रखेंगे यानी आई सी को जीरो रखेंगे तो वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी सी सी, और सेकेंड केस में जब हम वोल्टेज को जीरो करेंगे वी सी सी को जीरो करेंगे तो अब आई सी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी वी सी अपॉन आर सी। सो दिस इज वी सी सी अपॉन आर सी। फिर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और ये आपकी एक लोड लाइन आ जाती है। इसको आप लोड लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप आर सी को चेंज करके इस लोड लाइन के स्लोप को चेंज कर सकते हैं। क्लियर, ये क्यू पॉइंट आपका मिडिल में होना चाहिए। ये क्यू पॉइंट कैसे वेरी करता है, कैसे ये ऊपर शिफ्ट होगा, कैसे ये नीचे शिफ्ट होगा, इस पर हम डिटेल में बाद में डिस्कशन कर लेंगे। एक लेक्चर हम सिंपल क्यू पॉइंट पे बनाएंगे, बट अभी फिलहाल आप यहाँ इतना याद रखिए जो मैंने आपको बात बताई कि बायसिंग जो है वो आपको कुछ एक्सटर्नल करंट दे रही है, एक्सटर्नल वोल्टेज आपने अप्लाई की जिसकी वजह से आपको कुछ करंट मिला, और यही वो बायस वोल्टेज है जो हेल्प करता है हमें इस ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह वर्क कराने में। ओके तो आपको जो भी आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है या करंट ज़्यादा मिल रही है वो कहीं बाहर से नहीं है, मतलब वो कहीं कोई जादू नहीं हो रहा है, वो जादू हो कहाँ से रहा है, वो कहाँ से वैल्यूज आ रही है, वो इस वोल्टेज से आ रही है। तो जो भी आपने एक्सटर्नल बायस किया उसकी वजह से आपको वो एक्सटर्नल एनर्जी मिल रही है। ओके तो यही फंडा है बीजेटी ट्रांजिस्टर का। तो आपसे कोई भी अगर इंटरव्यू में पूछता है कि बीजेटी एज एन एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि सर वो एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं वही एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपने सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, और वो सिग्नल कहाँ हमें अप्लाई करना चाहिए, वो सिग्नल हमें अप्लाई करना चाहिए क्यू पॉइंट के अक्रॉस। और क्यू पॉइंट कैसे डिसाइड किया जाता है, क्यू पॉइंट डिसाइड किया जाता है डीसी एनालिसिस से, और डीसी एनालिसिस क्या होती है कि आप वी सी इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी एक इक्वेशन लिखते हैं, और एक बार करंट की वैल्यू जीरो करते हैं और एक बार अपने वी सी सी वैल्यू को जीरो करते हैं, तो आपको ये स्लोप मिलता है और आप इसको बोलते हैं ये आपकी एक लोड लाइन। चलिए तो आई थिंक आपको बायसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। डीसी एनालिसिस का मतलब होता है जब आप डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और आपके सर्किट में कोई भी एसी सिग्नल नहीं है, एनालॉग सिग्नल नहीं है। ओके मींस कंटिन्यूस सिग्नल आपने अप्लाई नहीं किया है, तो इस टाइम उस तरीके से अगर आप वोल्टेज करंट की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो उसको डीसी एनालिसिस बोला जाता है। तो ये अगर मैं यहाँ पर डीसी एनालिसिस लिख दूँ तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी हम इन डिटेल एसी एनालिसिस पढ़ेंगे। ओके सो डीसी एनालिसिस का मतलब ये है। एक चीज मैंने आप लोगों को और जो डिस्कस की थी वो थी आपकी डीसी करंट जिसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, एसी करंट जिसको हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंस्टेंटेनियस करंट जिसको हम इसको स्मॉल से और इसे कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो इसको फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे डीसी एसी और इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हमें इसका यहां पे यूज है। ओके इसका हमें यहां पर यूज है इसलिए हम यहां पे इस चीज को रिवाइज कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो देखिए हमने क्या किया, यहां पर मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वी सी ई प्लस स्मॉल वी ओ इक्वल टू वी कैपिटल ओ, वी बी ई प्लस स्मॉल वी आई इक्वल टू स्मॉल वी कैपिटल आई। देखते हैं इसका क्या मतलब है। चलिए लास्ट लेक्चर में हमने इबर्स मॉल मॉडल पढ़ा था। ओके सो इबर्स मॉल मॉडल कौन से रीजन के लिए पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था हमने फॉरवर्ड एक्टिव। सो एक्टिव रीजन कंडीशन क्या होती है, आपका ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस होना चाहिए इनपुट में और रिवर्स बायस होना चाहिए आउटपुट में। ओके सो इनपुट कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी रिवर्स बायस।
इबर्स मॉल मॉडल जब हमने पढ़ा था तो हमने करंट की इक्वेशन फाइंड आउट करी थी आईसी, और वो करंट अगर आपको याद हो तो हम उसे लिख सकते हैं आईसी इक्वल टू आई एस ई टू द पावर वी बी ई ओवर वी टी। ओके, तो यहां पर अभी मैं इस आईसी को चेंज कर रहा हूं और इसे लिख रहा हूं आईसी कैपिटल। ओके तो देखिए, अगर आपने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया तो आपको डीसी करंट मिलेगा, यहाँ पे एसी का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने सर्किट बना रखा है, इस सर्किट में मैं वीबीई जो डीसी वोल्टेज है प्लस एक स्मॉल वीआई अप्लाई कर रहा हूँ जो कि मेरा सिग्नल है, और आउटपुट पे मुझे वीसीई के अक्रॉस एक सिग्नल मिलेगा जो कि मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा। ओके तो ये कर्व वही रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने क्या किया है कैप आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच कर्व ड्रॉ किया है, तो ये वो स्लोप है। ओके सो आप एज एन एम्पलीफायर बात कर रहे हैं, इसको एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, ये आपकी वीसी वोल्टेज है आउटपुट की जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा, और ये आपका वीबी इनपुट वोल्टेज है जिसके अक्रॉस आपने अपने इनपुट को अप्लाई किया है। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर आपकी जो साइकिल है वो निगेटिव पार्ट से स्टार्ट हो रही है लेकिन आपको आउटपुट में जो है वो पॉजिटिव साइकिल पहले मिल रही है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आप याद रखिएगा। जब भी आप ग्राफ बनाएं, कर्व बनाएं, इंटरव्यू में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। अभी हम देखेंगे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसको आप सिंपल कह सकते हैं कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। ओके सो ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्यों आ रहा है ये अभी हम देखेंगे। ओके आई होप, मुझे लगता है कि ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि हम इनपुट पे क्या वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम सीधे चलते हैं, सीधे सीधे इक्वेशन सॉल्व करते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या रिलेशन आता है। ओके तो इबर्स मॉल मॉडल कहता है कि आई सी इक्वल टू आई एस इंटू ई टू द पावर वी बी अपॉन बीटा वी टी जब मेरा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है। ओके नाउ सो अगर मैं वी सी ई को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे सिंपल केवीएल अप्लाई कर दिया, वी सी ई इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। आई सी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, सो चलिए आई सी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी सी ई इक्वल टू वी सी सी माइनस आई एस ई टू द पावर वी बी ई ओवर वी टी इंटू आर सी। क्लियर, कोई डाउट नहीं, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के क्या चल रहा है ये। ओके अब देखते हैं, अब मैंने आपसे कहा कि मुझे इसमें एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई करना है, यानी कि अब मेरा जो वी बी ई है वो वी बी ई क्या हो जाएगा, स्मॉल वी कैपिटल आई, तो यानी कि एक स्मॉल सिग्नल स्मॉल वी आई मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो अगर मैं इनपुट पे कोई सिग्नल स्मॉल सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आउटपुट पे भी मुझे कुछ मिलेगा। आउटपुट पे मुझे क्या मिलेगा देखते हैं, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिखते हैं। देखिए यही इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैं इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वी सी ई प्लस स्मॉल वी आउट इक्वल टू कैपिटल वी सी सी माइनस आई एस ई टू द पावर वी बी ई प्लस स्मॉल वी आई ओवर वी टी इंटू आर सी। ओके तो हमने कुछ नहीं किया, हमने लिखा कि यहाँ पर एक स्मॉल वोल्टेज हमने अप्लाई करी जिसकी वजह से मुझे आउटपुट पे कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो अब थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ई टू द पावर को, तो मैं इसे लिख सकता हूँ वी सी सी माइनस आई एस ई टू द पावर वी बी ई ओवर वी टी इंटू ई टू द पावर स्मॉल वी आई ओवर वी टी इंटू आर सी। ओके और यहाँ पे लिख देते हैं इसे वी सी ई प्लस वी नॉट जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं।
चलिए अब इस वाले टर्म को देखते हैं, ये टर्म है आपका e टू दी पावर स्मॉल वी आई ओवर वी टी। पहली कंडीशन जो हमें याद रखनी है वो ये है कि आपका एम्पलीफिकेशन कब होगा, आपका एम्पलीफिकेशन तब होगा जब आप जो डेल्टा वी आई अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप जो वी आई अप्लाई कर रहे हैं, जो आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया इट शुड बी लेस देन वन। ओके सो आप यहां पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां स्मॉल वी आई लिखा, आप इसको डेल्टा वी आई लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वी आई में जो भी चेंज हो रहा है उससे आपके आउटपुट में चेंज होगा। ओके तो हम थोड़ा सा इसको क्लियर लिख लेते हैं, दैट इक्वल टू वी सी ई प्लस डेल्टा वी नॉट। ओके तो कंडीशन क्या है कि जो भी आपके सिग्नल में चेंजेस हो रहे हैं स्मॉल वी आई, जो भी चेंजेस हैं वो थर्मल वोल्टेज जो बी टी है उससे बहुत कम होने चाहिए। ओके सो कंडीशन ये है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल है तभी वो एम्पलीफिकेशन होगा या तभी आपकी इक्वेशंस वैलिड होंगी या आपको मालूम चलेगा कि आउटपुट में जो फैक्टर आ रहा है जिससे वो एम्पलीफाई हो रहा है वो तभी वैलिड है जब आपका जो चेंज इन वी आई है दैट शुड बी स्मॉल देन वी टी। तो देखिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, अगर e टू द पावर x में x की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम इसको डिफाइन करते थे 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सॉल्व करते थे आगे। ओके सो 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस समथिंग, जो भी आगे इक्वेशंस थी हमारा काम सिंपल कुछ स्टार्टिंग टर्म्स का है तो हम आगे की क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, वी सी ई प्लस डेल्टा वी नॉट इक्वल टू वी सी सी माइनस आई एस ई टू द पावर वी बी ई ओवर वी टी 1 प्लस डेल्टा वी आई ओवर वी टी इंटू आर सी। आई होप यहां तक क्रिस्टल क्लियर होगा सब कुछ, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट तो इस लाइन तक आई थिंक कोई इशू नहीं है, पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब देखिए हमने इबर स्मॉल मॉडल में इक्वेशन पढ़ी थी, एक कंडीशन हमने यूज़ की थी आई एस इक्वल टू अल्फा आई ई इक्वल टू अल्फा अल्फा एफ इंटू आई इक्वल टू अल्फा आर इंटू समथिंग करेंट। ओके तो वही कंडीशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, आप इबर स्मॉल मॉडल की इक्वेशन देखिएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई एस इक्वल टू अल्फा इंटू आई ई नॉट। ओके तो इसकी वैल्यू हम अगर इसको फिर से सॉल्व करें या हम कहें कि आई एस इक्वल टू अल्फा इंटू आई नॉट आई नॉट, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने ई टू द पावर वी बी अपॉन वी टी से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आई एस इंटू ई टू द पावर वी बी अपॉन वी टी। सो हम लिख सकते हैं आई एस इंटू ई टू द पावर वी बी अपॉन वी टी इक्वल टू अल्फा इंटू आई ई नॉट इंटू ई टू द पावर वी बी अपॉन बीटा वी टी। ओके अपॉन वी टी। अब देखिए एक्टिव रीजन में है तो डेफिनेटली वी बी जो पोटेंशियल है ओके उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, फॉरवर्ड करंट मिलेगा। और डायोड की फॉरवर्ड करंट इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल्स टू सैचुरेशन करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट ई टू द पावर जो भी पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है डिवाइड बाय वी टी। तो यहां आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, आई ई करंट फ्लो कर रहा है दैट इक्वल टू आई ई नॉट दैट इज योर रिवर्स सैचुरेशन करंट इन टू ई टू द पावर वी बी ई जो कि आपकी डायोड वोल्टेज है जो आपने अप्लाई किया है डिवाइड बाय वी टी। तो इसलिए हमने यहाँ पे आई ई नॉट इन टू ई टू द पावर वी बी ई अपॉन ईटा वी टी को
ईटा इक्व टू वन डिवाइड बाई बी टी को हमने रिप्लेस कर दिया आई ई क्यू से। क्यू आपका यहाँ क्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एमिटर करेंट क्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आई क्यू दैट इक्वल टू आई एस इंटू ई टू द पावर वी बी अपॉन वीटा वी टी। ओके, सो इन वैल्यूज की जगह आप पुट कर सकते हैं अल्फा आई ई क्यू। तो ये जो सेकेंड लाइन हमने लिखी है इसका मतलब यही है, वी सी सी माइनस अल्फा इंटू आई ई क्यू वन प्लस डेल्टा वी आई ओवर वी टी इंटू आर सी। ओके, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। सो वी सी सी माइनस अल्फा आई ई क्यू इंटू आर सी माइनस अल्फा आई ई क्यू आर सी डेल्टा वी आई ओवर वी टी। ओके, क्लियर। अब देखिए और यहां पे क्या चल रहा है, वी सी ई प्लस डेल्टा वी नॉट। तो अभी हमने जो ऊपर डीसी एनालिसिस करते टाइम जो इक्वेशंस फाइंड आउट की थी, तो अगर आपको याद हो ऊपर तो क्या था वो, वी सी ई इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ओके, सो अल्फा आई ई क्या होगा, आई सी यानी आई सी इक्वल टू अल्फा आई, तो वी कैन से अल्फा इंटू आई ई क्यू इक्वल टू आई सी क्यू। सो वी सी सी माइनस आई सी क्यू आर सी लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये इक्वेशन हमने पढ़ी ऊपर जो मैंने आपको भी समझाई थी, तो डेफिनेटली वी सी ई किससे कैंसिल हो सकता है, वी सी सी माइनस अल्फा सी आर सी। तो फाइनली क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा डेल्टा वी नॉट इक्वल टू माइनस अल्फा आई ई क्यू इंटू आर सी डेल्टा वी आई ओवर वी टी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। देखिए हमने क्या किया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्विकली। हमने सिंपल जो भी हमने वी सी ई की वैल्यू निकाली थी उसको हमने यहाँ पुट किया, बस हमने ये कहा कि अगर हम एक स्मॉल वी आई अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक स्मॉल वी नॉट मिलेगा। देन हमने ई टू द पावर एक्स को एक्सपेंड कर दिया, ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर वी, ई टू द पावर बी को हमने कंडीशन ये कंसिडर करी कि इट इज लेस देन वन, उसको हमने एक्सपेंड किया और सिंपली हमने उसको यहाँ पर लिख दिया। देन हमने उसे सॉल्व किया, उसे हमने सॉल्व किया, देखिए इक्वल टू वी सी सी माइनस सॉल्व कर दिया पूरा। यहाँ मैंने आपको समझाया कि ये करंट कैसे हमने चेंज करके अल्फा इंटू आई ई क्यू लिखा। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको रिप्लेस कर दिया अल्फा आई ई क्यू से, और ये इक्वेशन जो अभी हम ऊपर यूज कर रहे थे वी सी इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, उसे हमने कैंसिल कर दिया। तो अब जो हमारे पास टर्म्स बचे वो बचे डेल्टा वी नॉट इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू आई ई क्यू इंटू आर सी इंटू डेल्टा वी आई ओवर वी टी। सो अल्फा आई ई को हम आई सी लिख सकते हैं। सो अगर मैं इसे डेल्टा वी नॉट इक्वल टू माइनस अल्फा आई सी इंटू आर सी डिवाइड बाय वी टी इंटू डेल्टा वी आई लिखूँ तो आई थिंक ये सही होगा। ओके, सो अल्फा आई क्यू से अल्फा आई सी, अल्फा हट जाएगा यहाँ से क्योंकि आपने आई सी लिख दिया है, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस आई सी आर सी। ओके, ठीक है। तो अब हम बहुत ही पास हैं अपने एक्सप्रेशन के जो हमें चाहिए, जिस एक्सप्रेशन के लिए हमें ये सारी कैलकुलेशन कर रहे थे। तो देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, हम इसको लिखते हैं डेल्टा वी नॉट डिवाइड बाय डेल्टा वी आई। क्या है ये, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। क्लियर, सो हमें अगर मैं कहूँ कि मैं रिलेशन एक रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूँ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज का, उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हम इसे यूज कर रहे हैं एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर, क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर क्या कहता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। क्लियर, तो देखिए यहां पर रिलेशन आ गया है डेल्टा वी नॉट डिवाइड बाय डेल्टा वी आई, और वो किसके बराबर है,
सो डेल्टा वी नॉट डिवाइड बाय डेल्टा वी आई दैट वोल्टेज एम्पलीफायर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई सी डिवाइड बाय वी टी इंटू आर सी। क्लियर? तो देखिए अब एक रिलेशन और हम फाइंड आउट करते हैं जल्दी से, वो रिलेशन है आई सी डिवाइड बाय वी टी। तो देखिए आई सी क्या है आपका? करेंट। वी टी क्या है आपका? वोल्टेज। तो ये किसका रिलेशन है? आई डिवाइड बाय वी, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस कंडक्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी एम से। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रांस कंडक्टेंस। इस टर्म को याद कर लीजिएगा, I डिवाइड बाई V, दैट इज कॉल्ड ट्रांसकंडक्टेंस। और फटाफट हम इसकी वैल्यू रख देते हैं माइनस साइन इंटू जी एम इंटू आर सी। लीजिए आपका एक्सप्रेशन आ गया V नॉट डिवाइड बाई डेल्टा वी आई, इसको हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ओके, तो इसका मतलब आपका इनपुट और आउटपुट दोनों एक दूसरे 180 फेज शिफ्ट हैं। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे यहाँ पे, और ये कर्व यहाँ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपकी इनपुट साइकिल नेगेटिव से स्टार्ट है तो आउटपुट साइकिल डेफिनेटली पॉजिटिव से स्टार्ट होगी। अगर आपकी इनपुट साइकिल पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है तो आपकी आउटपुट साइकिल डेफिनेटली नेगेटिव से स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब अगर आप एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स पे, अगर आप एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में, वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। ओके, सो आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। तो ये नेगेटिव साइन जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेज शिफ्ट है। गेन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, सो ये माइनस साइन सिर्फ आपके फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको गेन क्या मिल रहा है? गेन है आपका जी एम इंटू आर सी। सो जी एम इज योअर ट्रांसकंडक्टेंस एंड आर सी इज योअर कलेक्टर रेसिस्टेंस। अब देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात कही थी कि कोई जादू नहीं हो रहा है, आपको जो भी एम्पलीफिकेशन मिल रहा है, जो भी आपको आउटपुट हाई मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिल रहा है? आपकी बायस वोल्टेज से, जो आपकी क्या थी? वीसीसी। तो देखिए जीएम की वैल्यू है क्या? जीएम इज इक्वल टू आईसी अपॉन वीटी। आईसी कहाँ से आया? आईसी आया वीसीसी से, क्योंकि जब आपने वीसीसी अप्लाई किया तब RC के अक्रॉस आपका करंट फ्लो हुआ IC, तो ये वही IC है। तो ये आया कहाँ से? VCC से। तो अगर VCC ही नहीं होगा तो IC की वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, तो सिंपल सेंस में कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी गेन है, जो भी आपको गेन मिल रहा है, या ट्रांजिस्टर आपका जो एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है, वो उस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से होता है। और आपको जो चीज़ याद रखनी है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है माइनस जी एम इंटू आर सी। अभी हम आगे इसको बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं जब हम एसी एनालिसिस पढ़ेंगे, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये माइनस साइन फेज डिफरेंस शो कर रहा है, और जी एम इंटू आर सी आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि गेन रिप्रेजेंट कर रहा है। जी एम को बोलते हैं ट्रांसकंडक्टेंस। कंडीशन जरूर याद रखिएगा, ये सब कब वैलिड है? जब आपका डेल्टा वी आई डेल्टा वी आई और डिवाइड बाय वी टी इज लेस देन वन। ओके, सो हम इसे पूरा सर्किल कर देते हैं अच्छी तरीके से। ये रिलेशन हमने यहाँ ये पढ़ा, ये मैंने लिखी दिया है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो अब हमने BJT को एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसकी इक्वेशंस होती हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। ओके, सो आज के टॉपिक में हमने BJT एज एन एम्पलीफायर पढ़ा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।